नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरोड पटवा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSVTU भिलाई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नामांकन फॉर्म किस तरह भर पाएंगे, पॉलिटेक्निक PPT, BE, BTEC, PPST, डी फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा कोर्स इत्यादि वाले स्टूडेंट्स नामांकन फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मोबाइल और कंप्यूटर से सारी जानकारी जो है आपको प्रिंट तक इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको एनरोलमेंट से संबंधित सभी तरह के जानकारी जो है आपको मिल सके। इस तरह आपको अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको गूगल में जाकर CSVTU टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको जो है एंटर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पे शो कर रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजेबल वीडियो पोस्ट किया जाता है वह आपको पल पल मिलती रहे। तो आपको जो है आगे की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ किस तरह आपको एनरोलमेंट करना है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एनरोलमेंट शो कर रहा है। इसमें आपको ऑनलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट और नीचे यूजर मैनुअल दिया हुआ है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, वे यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट एनरोलमेंट पर क्लिक करके वो यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह जो है आपको अपने एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही यहाँ पे हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप सुबह के 10 AM टू 5 PM तक संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो है पूरी चरणबद्ध जो है यहाँ पे बताया गया है, शॉर्टकट रूप में बताया गया है। मैं आपको वीडियो के जरिए भी बताने वाला हूँ किस तरह आप ऑनलाइन कर पाएंगे, लाइव आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग अपने इच्छा अनुसार यूजर मैनुअल का अध्ययन करके भी कर सकते हैं और मैं वीडियो के जरिए भी आपको बताने वाला हूँ। इस तरह आपको ऑनलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है शो करेगा। इसमें जो है एनरोलमेंट जो है 25 जनवरी 2021 टू 31 जनवरी 2021 कैंडिडेट कैन एनरोल रनिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंतराल में आपको अपना एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट और गाइडलाइंस दिया हुआ है। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी साइज 80 KB एंड सिग्नेचर 50 KB का होना चाहिए। साइज बनाने में यदि आपको दिक्कत होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उसमें किस तरह जो है आप मोबाइल के माध्यम से अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज बना सकते हैं उसमें बताया गया है, उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है 5 फरवरी तक जो है ये डिपार्टमेंटल है। कॉलेज इंस्टीट्यूट विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बिफोर 5 फरवरी 2021 तक जो है कॉलेज इंस्टीट्यूट वाले लोग जो है इसको वेरीफाई करेंगे। इस तरह आपको जो है द करेंट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट फॉर द डिग्री टाइप, इसमें जो है आपका किस टाइप का डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है उसका आपको चयन करना है। यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोर्स फॉर विच यू आर एनरोलिंग फॉर, यहाँ पे आपको चूज करना है PhD के लिए या अदर कोर्स के लिए। तो अदर कोर्स पे क्लिक करेंगे जिनका अदर कोर्स है। एडमिटेड कोटा, आपका किस कोटे में जो है एडमिशन हुआ है उसका आपको चयन करना है। चयन करने के बाद जो है आपके सामने DTE काउंसलिंग डिटेल्स, एप्लीकेशन ID, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो है कैलेंडर फॉर्मेट में एंटर करना है। उसके बाद जो है जब वैलिडेट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको एक मैसेज डिस्प्ले करता है, उस पर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको आई एग्री चेक बॉक्स को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद जो है आप इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें जो है आपका एनरोलमेंट जो है
चार चरणों में जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, उसके बाद डिक्लेरेशन का जो है टैब बना हुआ है। तो आपको जो है सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को भरने के बाद ही जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आप जाएंगे, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट पे जाएंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन पे जाएंगे। तो इस तरह जो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ उसके अनुसार ही आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस तरह जो है आपको डीटी एप्लीकेशन आईडी, जो आप फर्स्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था जो रजिस्ट्रेशन के हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डीटी कोर्स टाइप जो है आपका दिखाई, डीटी इंस्टीट्यूट नेम, साथ ही यहाँ पे प्रीवियस एनरोलमेंट एडमिशन, क्या पूर्व में सीएसवी टीयू के किसी पाठ्यक्रम में नामांकित है, यस या नो पे क्लिक करना है। जो नामांकित हो यस पे क्लिक करेंगे और जो नहीं है नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको एडमिशन डिटेल्स का कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपका डेटा, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है डिसेबल मिलेंगे और बहुत सारे जो फील्ड है आपका भरा हुआ मिलेगा। तो उस जो भरा हुआ फील्ड है उस पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बहुत कम ही डेटा भरना होता है यहाँ पे, इस पे नो नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इस तरह जो है आपको डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे जो है आपका जिस दिन पेमेंट हुआ था, आपने जिस दिन जो है एडमिशन लिया था और पेमेंट किया था, उसका डेट जो है आपको एक ई स्लिप ई रिसिप्ट मिला होगा, उसमें डेट दिया होता है। उस डेट को जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है सेमेस्टर फर्स्ट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। साथ ही यहाँ पे संबोधन में एमआरएस एमएस जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप यदि आपको मालूम है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार लगा होता है वो मैंडेट फील्ड होता है, उसको भरना अनिवार्य होता है। इसमें जो है ब्लड ग्रुप पे स्टार नहीं लगा है तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका वैवाहिक स्थिति क्या है उसको आपको यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद आपको जो है अभिभावक का मोबाइल नंबर, अभिभावक का ईमेल आईडी यदि हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को भी छोड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जो है यहाँ पे फोटोग्राफ जो है आपका 80 KB से कम का होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 50 KB से कम का होना चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और निवास स्थान में आपको जो है यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे मकान नंबर, सड़क नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड भर लेना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। उसके बाद आपका जो है क्या आपका स्थायी पता है, पत्र व्यवहार का पता एक है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डेटा जो है ऑलरेडी फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, जो यदि आपने जाति प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन बनाए हैं तो उसमें जो है जाति प्रमाण पत्र पर देखेंगे कि अनुमोदन दिनांक लिखा होता है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र क्रमांक में जो है ऊपर में आवेदन संदर्भ क्रमांक जो दिया होता है उसको आपको एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद जो है जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला आपका बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जिला सिलेक्ट करना होता है, जिस जिले से जो है आपका जाति प्रमाण पत्र बना है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स में 10वीं का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे सीजी बोर्ड आपको टाइप करना है परीक्षा नाम में। उसके बाद रोल नंबर आपका जो 10वीं का है उसको आपको एंटर करना है। राज्य का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का चयन करना है। उसके बाद अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष जो है यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद प्राप्तांक एंटर करना है। उसके बाद पूर्णांक एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैथ और साइंस का यहाँ पे फिलअप करना है मार्क्स। उसके बाद जो है आपके पास जो है क्या आपकी पूर्व परीक्षा अर्हता परीक्षा एक समान है, नो या यस, यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यदि है एक समान है तो, यदि अलग है तो नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स का भरना होगा। और यहाँ पे स्कोर कार्ड डिटेल्स के आपके पास प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड है, नो या यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिनका है वो यस पे क्लिक करेंगे, जिनका नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल
डिटेल्स में आपको राज्य का चयन करना है, जिले का चयन करना है, उसके बाद तहसील का चयन करना है। उसके बाद क्या आपके शैक्षणिक योग्यता मंत्रालय जिनका गैप है वो यस पे क्लिक करके अपना जो है यहाँ पे ड्यूरेशन कब से माह वर्ष अंकित करना है और कब तक इसका एंटर करना है। जिनका नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म की छाया प्रति, फोटोकॉपी, निम्न उल्लेखित दस्तावेजों के साथ कॉलेज में जमा करना है। यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है और यह जो ऑनलाइन फॉर्म जो हम अभी इनरोलमेंट कर रहे हैं इसका एक हार्ड कॉपी जो है आपको कॉलेज में जमा करना है। इसमें जो है आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन का एक टैब दिया हुआ है, इसमें आपको कैप्चर कोड को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले जो है आपको प्रीवियस एप्लीकेशन, यहाँ पे बैक जाके प्रीवियस एप्लीकेशन के माध्यम से ही जो आपने एप्लीकेशन जो भी डेटा आप फिलअप किए हैं सब सही है कि नहीं उसकी एक बार जांच कर लें, उसके बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक करें। आप बैक बटन पे क्लिक करके भी स्टेप बाय स्टेप बैक जाकर आप अपने डेटा को एक बार चेक कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि इनरोलमेंट फीस जो है ₹100 आपका चार्जेबल है। तो इस तरह आपको कैप्चर कोड एंटर करना है, उसके बाद सबमिट बटन आई एग्री चेकबॉक्स को एक्टिव करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करेगा ओके करना है। उसके बाद जो है आपके सामने पेमेंट इंटरफेस जो है दिखाई देगा। इसमें जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, कैश कार्ड, आप बहुत सारा माध्यम जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे आप पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद यदि डेबिट कार्ड से करते हैं तो कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सीवीवी, कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास जो भी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरह इसको रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिक जो है रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं लाइव जो है मैं आपको पूरी प्रक्रिया जो है शुरू से अंत तक बता रहा हूँ। इस जो भी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ इसी माध्यम से यदि आप करेंगे तो आसानी से आप भर पाएंगे। और साथ ही मोबाइल के माध्यम से भरने के लिए मोबाइल के माध्यम से भी आप लोग इस फॉर्म को चरणबद्ध जिस प्रकार से मैंने बताया है भर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड के टॉप में जो है 3 डॉट बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे सेटिंग्स दिखाई देंगे जिसमें आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। लेबर करने के बाद जो है आपको जिस तरह कंप्यूटर में जो पेज ओपन होता है उसी तरह आपका भी पेज ओपन होगा मोबाइल में। और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है व्यू फॉर्म पीडीएफ दिया हुआ है और एक यहाँ पे प्रिंट सबमिट डाटा दिया हुआ है। तो जब आप मोबाइल में डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेंगे तो आपको इसी तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको प्रिंट सबमिट डाटा पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपको प्रिंट जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। नहीं तो स्पेशल जो है उसमें प्रिंट का ऑप्शन थोड़ा दिक्कत होता है मोबाइल में, किंतु आप ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। और साथ ही जो भी इस वीडियो के अंदर जानकारी दिया गया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक जानकारी पहुँच सके। आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जरूर जुड़े जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें। और इस तरह जो है ये जो पीडीएफ है इसको प्रिंट आउट करके जो है आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दिया हुआ था उसको और इस पीडीएफ को प्रिंट करके जो है आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। थैंक यू।